हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। यहाँ पर मैंने कुछ लोगों के कमेंट देखे थे कि रिजर्व लिस्ट में आरआरबी में सिलेक्शन होने के कितने चांसेस होते हैं। दोस्तों, मैंने दो तीन एस्पिरेंट को कॉल भी किया, क्योंकि जिनका सिलेक्शन रिजर्व लिस्ट से हुआ था, मैंने उनसे कुछ चीजें पूछी। पहली चीज ये है कि कितने मार्क्स का लगभग मार्जिन होता है। तो देखो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दो नंबर, चार नंबर, चार पांच नंबर, इतने मार्क्स कम होंगे तभी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आरआरबीज में बहुत ही हायर चांसेस होते हैं रिजर्व लिस्ट क्लियर होकर आपका सिलेक्शन हो जाने का। इसके पीछे एक जो बैकग्राउंड टर्म है वो ये चलती है कि काफ़ी सारे लोग जो कि आरआरबी में ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन पहले उनके और भी जगह सिलेक्शन हो जाते हैं, तो ये होता है कि भाई आरआरबी क्लेरिकल में हम नहीं जाएंगे, हम आईयूपीएस क्लेरिकल में चले जाएंगे, एसबीआई क्लेरिकल या किसी का पीओ में हो जाता है, तो वो पर्सन वहाँ पर स्विच कर जाता है। दैट इज़ वाई जो भी लोग अभी भी रिजर्व लिस्ट के इंतजार में बैठे हैं, मेरा आप सभी के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों चांसेस बनेंगे आप सभी के लिए। और अगर आप इस साल नौकरी की तलाश में हैं तो यहाँ पर ये मौका आपको मिलेगा, और आई होप कि इस मार्च एंड से पहले पहले आपको ये वाली गुड न्यूज़ मिल जाए। बाकी आईबीपीएस इसके बारे में नोटिफाई कर देगा आप सभी को, तो अभी राइट नाउ कोई ऐसा सर्कुलर नहीं आया है, लेकिन हाँ, इस मंथ में हम उम्मीद कर सकते हैं ये सर्कुलर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो आपका 31st of March से पहले पहले ये चीज़ें क्लेरिफाई हो जानी चाहिए और हो जाएंगी। तो क्योंकि काफ़ी लोग परेशान थे, वो ये कह रहे थे कि सर आप रिजर्व लिस्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हो। देखो दोस्तों, मैं जब तक किसी चीज़ से कन्फर्म नहीं था तब तक मैंने उसके बारे में बात नहीं की, लेकिन मैंने दो चार लोगों से पूछा कि हाँ यहाँ पर क्या चांसेस हैं, तो उनका बड़ा पॉजिटिव फीडबैक था कि हाँ यहाँ पर, मतलब इन कंपेयर टू आईबीपीएस, और अगर मैं और जगह की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस बनते हैं। ओके, तो आप लोग अपने जो है अच्छे के लिए, अभी जो भी आपकी जॉब है ये बनेगी जरूर, और आगे हम फिर मिलेंगे, अपनी स्टोरी जरूर मेरे साथ शेयर करना। सो थैंक यू सो मच गाइस, और इस चैनल को आगे भी फॉरवर्ड करो, ताकि और भी बहुत सारे लोग जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे साथ में मिलजुल कर आगे आए। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन।